साथ में भी आप अपना प्रदर्शन धरना जारी रख रहे हैं, सरकार मानने को तैयार नहीं है, एक बार सर हमारा मानना पड़ेगा। नमस्कार, मेरे पीछे जो ये प्रदर्शन देख रहे हैं, आपको बता दें कि ये कलरकों का प्रदर्शन है जो 5 जुलाई से यहाँ चला हुआ है, लेकिन आज जहाँ जो प्रदेश भर में इनकी कॉल थी कि सचिवालय से लेकर शहीद स्मारक तक जो ये प्रदर्शन करेंगे, तो उसी कड़ी में आप देख सकते हैं कि कैथल के जो विभिन्न डिपार्टमेंट के जो कलरक हैं उनका प्रदर्शन है जो सड़कों से जा रहा है और शहीद स्मारक तक पहुँचेगा। तो आपको बता दें कि इनके वहाँ बैठने से जहाँ कामकाज प्रभावित है, वहीं आमजन भी बहुत परेशान है, क्योंकि किसी भी डिपार्टमेंट में जो कलरकों का काम था वो प्रभावित है और आम जनता के काम नहीं हो रहे। देख सकते हैं किस तरह से बारिश में भी जो कलरक हैं वो डटे हुए हैं, किस तरह से बारिश हो रही है, और जो ये शहीद स्मारक पर यहाँ पहुँच चुके हैं तो किस तरह से जो नारेबाजी है वो कर रहे हैं सरकार के खिलाफ, उनसे बातचीत करेंगे, चाहेंगे किस तरह की इनकी जो डिमांड है। मेरा नाम राजेंद्र ढूंढ, जिला प्रधान काज। तो मतलब किस तरह का प्रदर्शन दर्जा सचिवालय से लेकर आज शहीद स्मारक? आज हमारा प्रदर्शन बहुत ही जबरदस्त था। आज हम उन क्रांतिकारी, उन बलिदानियों को नमन करने आए हैं जिनके बलिदानों से आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। आज प्रदेशाध्यक्ष विक्रांत तंवर जी की कॉल थी कि हमने उन बलिदानियों को नमन करके अपने संघर्ष को आगे बढ़ाना। हमारी जब तक 3500 की मांग पूरी नहीं हो जाती, हम इसी तरह से धरने और प्रदर्शन इसी तरह से करते रहेंगे, और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती, हम इसी तरह से एक संगठित होकर पूरे प्रदेश में इसी तरह से लड़ेंगे। हम, जैसा कि आप सबको पता है कि हम यहाँ पे हमारी बेसिक पे को बढ़वाने के लिए आए हैं। हमारी बेसिक पे 19900 है, हम उसको बढ़वाकर 35400 करवाना चाहते हैं। जैसा कि CAWS की टीम का डिसाइडेड हुआ था कि हम शहीदी स्मारक पर आके सारे शहीदों को नमन करेंगे, तो आज हम उसी के लिए यहाँ शहीदी स्मारक पर आए हैं। काफी लंबे समय से आप संघर्ष कर रहे हो, सरकार मानने को तैयार नहीं है, क्या रूपरेखा तैयार करेगा? मानना पड़ेगा, सरकार जरूर झुकेगी। हम शांतिप्रिय तरीके से अब तक भी रोष प्रदर्शन और अपना प्रदर्शन करते आए हैं, तो आगे भी हम कंटिन्यू रखेंगे। सरकार कब तक नहीं मानेगी, एक ना एक दिन जब इंद्र देवता जी हमारे ऊपर इतने प्रसन्न है तो सरकार को भी जरूर प्रसन्न होना पड़ेगा। मेरा नाम सीमा है, मैं कल रखूँ एजुकेशन डिपार्टमेंट से हूँ। आज जैसा कि हम सब ने CAWS ने डिसाइड किया था कि हम शहीद स्मारक पे आके यहाँ पे अपना वो करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, तो हम यहाँ पे आए। हमारी मुख्य मांग ये है कि हमारा बेसिक पे है जो 1900 है उसको 3500 दिया जाए। मैक्सिमम आई हुई है, सबका ही सपोर्ट है। बरसात में भी आप अपना प्रदर्शन धरना जारी रख रहे हैं, सरकार मानने को तैयार नहीं है, एक बार सर उनको मानना पड़ेगा। जैसे हम यहाँ पे है लगातार, जब तक वो हमारी मांगे नहीं मानती हम प्रदर्शन करते रहेंगे, बैठते रहेंगे। आपका नाम और सर? मेरा नाम जगदीश फौजी है। जैसे कि आपको पता है कि पूरे हरियाणा में 22 के 22 डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में लिपिक साथी बैठे हुए हैं। हमारा एक ही मात्र मांग है 3500। ये तो बता दिया जिन्होंने। सर हमारा 6ठा दिन धरने का, आज हम पुष्प अर्पित कर रहे हैं 22 के 22 जिलों में, और हम देश के नागरिक हैं, हम शांतिपूर्ण मांग कर रहे हैं। अभी ये वीक हमारा खून दान का हो, नेत्र दान का हो, या वृक्षारोपण का हो, हम साथ के साथ नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए हम सरकार के हरियाणा सरकार में तो से मांग कर रहे हैं, साथ ही साथ हमारी नैतिक जिम्मेवारी है कि हम देश के नागरिक हैं, धरने पे होते हुए हम वृक्षारोपण भी करेंगे इस वीक में, खून दान भी करेंगे। उसी कड़ी में 22 के 22 जिलों में शहीदों को नमन किया गया है। हम हरियाणा सरकार से निवेदन करते हैं, अब जल्दी से जल्दी हमारे को मांगों को माना जाए और उसको पूर्ण किया जाए। नाम और पता आपका? मैं विकास कल्याण भारतीय मजदूर संघ का संगठन मंत्री कैथल के अंदर, जो हमारे साथी बहुत दिनों से यहाँ पर संघर्ष के अंदर प्रयासरत हैं, मैं यहाँ पर आए हुए सभी साथियों का तहे दिल से बहुत ही धन्यवाद करता हूँ। छायागर पत्रकार बंधु जो हमारी बातों को सरकार तक पहुँचाते हैं और एक अच्छे निष्कर्ष तक पहुँचने में हम सफल होंगे। हमारा संघर्ष बहुत दिनों से चल रहा है, लेकिन सरकार की कान पे जूं तक नहीं रेंग रही। बहुत सारे लिपिक साथी एक से एक बढ़कर हर एक सचिवालय के अंदर, हर एक स्टेट के अंदर, हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर अपनी मांगों के लिए जूझ रहे हैं, और अपनी मांगों को बहुत दिनों से प्रयासरत हैं कि सरकार उनकी सुने और उनका जो भी हक है 3500 या जो भी हक है, जो उनसे बढ़कर हक है, उनको मिले। लेकिन सरकार अभी तक नहीं सुन रही है। मैं सरकार से निवेदन करता हूं और सरकार को पुरजोर करते हैं कि हमारी मांगों को मानकर और हमारा सनातन सम्मान की तरफ देखें। बहुत से कर्मचारी जो आज के महंगाई युग में अपनी रोजी रोटी को बनाने में भी तंग है,
अपनी रोजी रोटी को देखो, महंगाई कितनी महंगी हो गई है, महंगाई के कारण देश के अंदर त्राहिमाम है। तो हमारे साथी भी बहुत दिन से वेतन नहीं मिल रहा और हड़ताल पर बैठे हुए हैं, जिससे घर की रोजी रोटी चलाना ही बहुत मुश्किल है। मैं भारतीय मजदूर संघ आह्वान करता है सरकार को कि इनका 35400 हक देकर और एक सम्मान पूर्वक इनसे वार्तालाप करे।